वहीं योगी आदित्यनाथ ने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। पृथ्वीपुर के भेल ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को देश के लिए समस्या बताया और कहा कि राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। वहीं कांग्रेस भी इस जिले में जबरदस्त तरीके से प्रचार करते हुए अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रही है। कांग्रेस के नितेंद्र राठौर ने राज्य और केंद्र सरकार पर महंगाई, कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को जिताने का दावा किया। कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी, लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश और देश में शासन किया, लेकिन गरीबों के एजेंडे में नहीं था, वे नहीं कर पाए। हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, उनके एजेंडे में नहीं था। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया। भाई बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े कार्यक्रम होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, सीएम राज स्कूल बनने चाहिए, अमृत सरोवर बनने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने चाहिए, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बनने चाहिए। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन उनके पास इसका विजन नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को स्वयं में समस्या का नाम है। भैया बहनों, अंतर फर्क साफ है, एक समस्या है, एक समाधान है। कांग्रेस समस्या है, आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। समाधान, समाधान। भारतीय जनता पार्टी जो 18 वर्षों से इस मध्य प्रदेश में है, महंगाई निरोदिन बढ़ती चली जा रही है। टमाटर जैसी सब्जी जो हमारे किसान साथी को जब बेचनी पड़ती है तो 10 रुपए की नहीं बिकती, और जब इनको सेठों से खरीदनी पड़ती है तो 250-250 रुपए किलो के रेट पे बिकी। प्याज जब इनको बेचनी पड़ती है तो 10 रुपए की नहीं बिकती, जब सेठों से खरीदनी होती है तो 80-80 रुपए किलो बिक गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार की आदत इतनी ज़्यादा है कि बिजली से गांव-गांव में लोग परेशान रहे, कुड़कियां कर दी गई कि ट्रैक्टर मोटरसाइकिलें गरीब आदमियों को उठा ली गई, लोग परेशान रहे। तिराहे चौराहे पे चेकिंग के नाम पे 500-500, 1000-1000 रुपए की वसूली हुई, तहसील थाने में लोग सुरक्षित नहीं हुए। तो 18 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी जनता को लूट रही है, इस बार जनता आक्रोशित है और जनता ने मन बना लिया है कि जो वचनवीर कमलनाथ जी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, और जो घोषणावीर मुख्यमंत्री जिनकी 22,000 घोषणाएं लंबित हैं आज भी, जिन्होंने नौजवानों से रोजगार के नाम पर छलावा किया, जिन्होंने महिलाओं से 18 वर्ष कुछ नहीं दिया, 18 वर्ष बाद 4 महीने चुनाव के रह गए तो लाडली बहनें याद आईं, और जैसे ही चुनाव का जो भी नतीजा होगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर धोखे से भी आ गई तो इस जनता को इतना लूटेगी कि पेट्रोल 200 रुपये पार कर देगी और गैस सिलेंडर 2,000 रुपये तक पहुँचा देगी। इसलिए जनता इस बार इनको बाहर करेगी और कांग्रेस को जिताएगी।